जैन परंपरा में भोजन, औषधि, विद्या तथा अभय चार प्रकार के दान होते हैं, जिन्हें अवश्य देना चाहिए। धर्मानुष्ठान, दान और तप अवश्य करने चाहिए, जिन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। स्वयं सहयोग करने वाला, सहयोग की प्रेरणा देने वाला और सहयोग करने वाले का उत्साह बढ़ाने वाला पुण्य कर्म कमाता है। जरूरत के समय दूसरों को देने का हौसला दिखाने से ही धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। सच्चा तपस्वी तप की आराधना करते हुए, स्वयं भूखा रहते हुए बचे हुए भोजन की किसी भूखे को देकर उसकी भूख मिटाता है, तो ही उसका तप सच्चा कहलाता है। उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर की ओर से 3,500 लोगों के लिए 2 वक्त के भोजन पैकेट वितरण हेतु गाड़ियों को विदा करते समय अपने संदेश में कहा कि जिस तरह किसान बीज बोने से पहले हल चलाकर अपने खेत की जमीन को मुलायम बनाता है, उसी तरह से मानसिक गुणों का विकास करने के इच्छुक व्यक्ति को उदारतापूर्ण सहयोग करने की भावना विकसित कर अपने हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाना चाहिए। ब्याज से दुगना, व्यापार से जुगना, खेती बाड़ी से 100 गुना, परंतु निष्काम निस्वार्थ भावना से किए जाने वाले परोपकार से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। मुनि ने कहा कि करुणा से प्रेरित होकर बिना अहंकार के किसी की मदद करने से भी कभी कमी नहीं होती। चिड़िया के चोंच भर कर ले जाने से जिस प्रकार नदी का पानी नहीं घटता, उसी प्रकार परहित से प्रेरित होकर सब कुछ जरूरतमंदों में बांट देने से भी धन के भंडारे नहीं घटते। देने वाले को सोचना चाहिए कि लेने वाला तो उसकी संपत्ति को परलोक तक ले जाने के लिए भरवाहक की तरह काम करता है। इसलिए समाज का सहयोग करना अहंकार का विषय नहीं बल्कि मानवीय फर्ज है, जिससे मुंह मोड़ने वाले जीवन व्यर्थ है। इस अवसर पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिले राम शर्मा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता एसके चावला तथा थाना अध्यक्ष बलजीत सिंह मौजूद रहे। और भूखे को अन्न देने की जो ये मुहिम है, इसके अंदर आज हमारे मध्य कुछ और गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए हैं। श्री एसके चावला जी, जो कि एससी हैं बिजली बोर्ड के, सभी लोग बात करते हैं स्वास्थ्य कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, लेकिन बिजली विभाग भी एक ऐसा विभाग है जो 24 घंटे कार्यरत है, सबकी सेवा में, सबको प्रॉपर बिजली की सप्लाई हो, उसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सल्यूट करता हूँ बिजली डिपार्टमेंट को। आज हमारे मध्य सदर के SHO श्री बलजीत सिंह जी भी हमारे मध्य मौजूद हैं। मैं यहाँ पर पहुँचने पर और हौसला अफजाई करने पर इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक और परम विशिष्ट अतिथि माननीय श्री जिलेराम शर्मा जी असन से, जो कि इस बार भी चुनाव में उपविजेता रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए मुख्य संसदीय सचिव भी रहे हरियाणा सरकार में। और श्री सतीश जी, जो कि ना केवल हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे एक मेंबर भी हैं, अपितु इस भोजन की वितरण की जो हमारा चल रहा है मुहिम, उसके अंदर सबसे बड़े हमारे साझीदार और हमारे सेवक भी हैं। जितना भी इसके अंदर चावल अभी तक यूज़ किया गया, वो सारा इन्हीं की तरफ से दान किया गया है संपूर्ण समाज के लिए। जितने भी 1 महीने से तकरीबन ये लंगर चल रहा है, तो मैं इन सभी का इस यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा माननीय पंडित श्री जिलेराम शर्मा जी से कि वह कृपा करके 2 शब्द बोलें इस महामारी के ऊपर और हौसला अफजाई करें। ये हमारे पीयूष मुनि जी और इनके सभी हम जो शिष्य हैं, जब वो अभी आपने नाम लिए हैं सब, इन सब का और ख़ासकर मैं इनके चरणों में वंदना करता हूँ पीयूष मुनि जी के, कि ये कोई भी इलाके में किसी तरह की भी कोई समस्या हो, किसी तरह की भी कोई जो है सहायता करने की बात हो, सबसे आगे बढ़ चढ़ करके ये काम करते हैं। इनका बहुत बहुत वंदन करता हूं। और इस महामारी में कि सारे संसार में, भारतवर्ष में जो है फैली हुई है, इसमें सबको आपको पता है कि लॉकडाउन का, मास्क का, सैनिटाइज़र का और एक दूसरे की सहायता करने का, अपने अपने घरों में रहने का, ये सब आप लोगों को जो अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, ये जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी पुलिस जो इतनी बढ़िया शानदार करनाल की जो व्यवस्था कर रही है, हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और पीयूष मुनि जी को फिर एक बार मत्था टेक कर इनसे वंदना करता हूं कि ये जो हमारे इलाके में ऐसे मुनि, ऐसे ऋषि जो कि हर बार जो है अपना यहाँ पर इनका योगदान रहा है, ये भुला नहीं जा सकता। और हमारे सतीश जैन जी, बलजीत इंस्पेक्टर जी, चावला साहब और सभी साथी जो हैं, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये जो है पीयूष मुनि जी के आदेश की हर समय पालना करते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीयूष मुनि जी, जो इस अपनी संस्था के माध्यम से
जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस महामारी में अगर लोगों को समय पे भोजन मिल जाएगा तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे और इस महामारी से भी बचे रहेंगे। इनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है और सभी व्यक्तियों का भी धन्यवाद जो आज इस महामारी में पूरे समाज को इस महामारी से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं और सभी मिलकर ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हम लोग पूरा समाज इस महामारी से दूर रहे। उसके लिए उन सभी के सभी व्यक्ति प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर बाकी कुछ करना व्यक्ति के लिए कैसे मुमकिन और कैसे संभव होगा। औषधि, ज्ञान, विद्या और अभयदान ये सब बाद की चीजें हैं, किंतु सबसे पहले भोजन दान को सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। व्यक्ति को समझना चाहिए कि यज्ञ दान और तप अवश्य करने चाहिए, ये बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र और पावन करने का कार्य करते हैं। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानी मनीषी नाम, ये सभी को पवित्र और पावन करने का कार्य करते हैं। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं, दानम भोगो नाशस तीसरो गतियो भवन्ति वित्तस्य, यो ना ददाति ना भुंकते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन गतियां, तीन स्थितियां बताई गई हैं, दान, भोग और नाश। व्यक्ति जिस धन का अपने लिए इस्तेमाल प्रयोग नहीं करता, किसी दूसरे जरूरतमंद को उसके माध्यम से कुछ उपलब्ध कराने का प्रयत्न नहीं करता, उसके धन की तीसरी दशा और तीसरी हालत होती है, यानी उसका धन बैंक में जमा कराया हुआ, जमीन में गाड़ा हुआ, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और वह अकेला खाली हाथ दुनिया से जाने के लिए मजबूर और विवश होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अपनी जरूरत से ज़्यादा आपके पास जो कुछ भी है किसी जरूरतमंद को देकर पुण्य अर्जित करने का प्रयत्न किया जाए। आज के इस वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए विशेष रूप से श्री जिलेराम शर्मा जी, जो हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव हैं और विगत विधानसभा चुनावों में भी इन्होंने दूसरे स्थान पर रहते हुए 26,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे, निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी सारे लोगों के हितैषी हैं, सभी वर्गों का सहयोग करने का प्रयत्न करते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अधीक्षण अभियंता श्री एस के चावला जी, जो बहुत ही प्रभु परायण, धर्मनिष्ठ और जनता की सेवा के लिए हर समय तत्पर उद्यत रहने वाले व्यक्ति हैं और काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए इंस्पेक्टर श्री बलजीत सिंह जी, जो SHO सदर करनाल हैं, पुलिस विभाग के एक उत्तम सेवक और हर समय जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने और तकरीबन 25-30 दिनों से 2,500 से 3,000 आदमियों को दोनों टाइम भोजन यहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये एक महान कार्य है। इस सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम में ये काम करना, इस महामारी के टाइम में इतना बड़ा काम करना, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और आसपास के पूरे इंद्री और करनाल के इलाके में लोग बड़े अच्छे से भोजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं महाराज जी को बार बार वंदन करता हूँ और पुलिस डिपार्टमेंट का और बिजली डिपार्टमेंट का जो सहयोग पब्लिक ने इस बार देखने को मिला है, डॉक्टर साहबान का, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा उप प्रवर्तक माननीय श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहब से, जिनकी प्रेरणा से ये पावन कार्य शुरू किया गया और निर्विघ्न रूप से ये चल रहा है और आगे भी प्रभु से ऐसी कामना है कि ऐसे ही चलता रहे। तो मैं निवेदन करूंगा श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहब से कि वह भी अपना उद्बोधन दें और हम सबका मार्गदर्शन करें। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण प्रिवेंटिव मेजर्स बरतते हुए भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम लॉकडाउन और कुछ विशेष नियमों और प्रावधानों की व्यवस्था लोक मात्र के कल्याण की दृष्टि से की गई, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी रखते हुए सभी लोग इस बीमारी के संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकें और जो लोग संक्रमित हुए हैं उनका भी प्रॉपरली ट्रीटमेंट होकर वे निरोग और स्वस्थ हो सकें। तो सबसे पहले तो मैं
सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि वे सरकारी प्रावधानों का बिना किसी हील हुज्जत के पालन करें, अपने घर में सुरक्षित रहें, बिना किसी जरूरी कार्य के घर की सीमा लांघने का प्रयत्न ना करें, ताकि आपके बाहर जाने की वजह से किसी तरह की अव्यवस्था और प्रशासन को कोई असुविधा ना हो। और दूसरी बात यह है कि ऐसी विपदा की घड़ी में सभी व्यक्तियों को, जैसे कि हमारे श्री सतीश जी जो यहाँ की संस्था के परम सहयोगी हैं और जो हम यहाँ पर चैरिटेबल डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने जा रहे हैं, उसके भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपना सहयोग और योगदान हमेशा समाज को देते रहते हैं। ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हुए आपके पास प्रभु ने जितनी भी शक्ति और जितनी ताकत दी है, आपको यथाशक्य यथासंभव कुछ ना कुछ दूसरों का भला और कल्याण करने में कोई संकोच और हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। जैन दर्शन में वसुनंदी श्रावकाचार नामक ग्रंथ में कहा गया है, आहार ओषय सत्य अभय भयो तम चौविहम दानम तम वुच्चई दायवम निदत्थम। आज इस महामारी का जो दौर चला हुआ है, उस दौर में आदरणीय पीयूष मुनि जी ने जो लंगर चलाया हुआ है, जो खाने का, ये सबसे बड़ी सेवा है और सबसे ज़रूरी सेवा है, क्योंकि इस समय पे जो लेबर का काम और सभी काम बंद हैं, तो जिस चीज़ से हम देश को बचाना चाह रहे हैं कि जान का कोई नुकसान ना हो, उसके साथ साथ कोई भूख के कारण भी ऐसा कोई नुकसान ना हो कि जो हम बचाना चाह रहे हैं वो इधर होता रहे, तो इसलिए जो ये सेवा चली हुई है ये सबसे ज़रूरी और विशेष सेवा है। इसलिए आदरणीय पीयूष मुनि जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो इन्होंने अपनी पूरी टीम को ये सारा कुछ गाइडलाइन, जैसे इस सेवा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग आमतौर पर नहीं रह पाती है, लेकिन जो पूरी टीम लगी हुई है हम देख रहे हैं, तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, खाना प्रॉपर ग्लव्स वगैरह के साथ वो चल रहा है, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम यही अपील करना चाहेंगे सभी से कि जहाँ भी जो भी खाने के लिए अगर रिक्वायरमेंट अगर किसी को लगती है, मेरे पड़ोस में किसी के पड़ोस में लगता है कि यहाँ लंगर नहीं पहुँच पाया, तो आप अपने तौर पर उसको कम से कम खाना उपलब्ध करवा दें, जिससे कि खाने की वजह से उसको ऐसी कोई बड़ी दिक्कत ना आए। और सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सभी विभाग लगे हुए हैं, बिजली डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, ये सारा कुछ लगा हुआ है, इसलिए सभी विभागों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीयूष मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने हमारे को यहाँ आने का अवसर दिया, और हम ये सारा कुछ देख के बहुत प्रसन्नता हुई। जय हिंद, धन्यवाद। आज हमारे मध्य श्री सतीश जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जगदम्बा एग्रीको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड घरौंडा भी हमारे बीच मौजूद हैं। पिछले दिनों इन्हें बेस्ट MSME का अवार्ड भी मिला था भारत सरकार से। और यहाँ पर यह भी कहना सबसे ज़रूरी हो गया, हमारे मेन कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, फर्स्ट डे से जितना भी चावल, रोज़ तकरीबन 1.5 से 2 क्विंटल चावल हम लोग वितरण जो बनाते हैं, जिसका वितरण किया जाता है, सारा इन्हीं की तरफ से इस समिति को दिया गया है। शुरू से राइट फ्रॉम डे वन सारा चावल इनके पास से पहुँचाया गया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस पावन पुनीत कार्य के लिए, और मैं निवेदन करूँगा कि ये भी दो शब्द जरूर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.